जय माता दी, जय माँ कामाख्या, कामाख्या वरदे देवी नीलपरत वासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। देवी साधना कैसे करें, ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि देवी साधना कैसे की जाए। आज भी हमारे बहुत से धर्म प्रेमी बंधु, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई काली माँ को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, कोई कंकाली काली को मानता है, कोई ज्वाला माँ को मानता है, कोई वैष्णो देवी को मानता है, कोई कामाख्या माँ को मानता है, परंतु उन्हें यह नहीं मालूम कि उनको कैसे साधा जाए। कैसे साधा जाए का मतलब उनके अनुरूप अपनों को बनना है, न कि उनको अपने अनुरूप बनाना है। तो साधना कैसे करें? आपके यहां हो सकता है कि मंदिर हो, आपके बड़े बुजुर्ग मंदिर बना के गए हो, और उस मंदिर में पहले तो अच्छे से काम हुआ करते थे, परंतु आजकल मंदिर में काम नहीं होते हैं। कोई व्यक्ति आता है, अनुष्ठान करता है, धागा बांध के चला जाता है, स्वास्तिक चिन्ह बना देता है, परंतु उसके बावजूद भी उसके काम नहीं बनते, और आपको यह महसूस नहीं होता है कि मंदिर में जागृतता है। मंदिर में ऐसा लगता है मनहूस जैसा लगता है। तो इसका मतलब मंदिर से वो शक्ति चली गई है, ये मंदिर में अशुद्धता आ गई है। तो बहुत से मनुष्यों की एक समस्या ये भी है कि घर के अंदर भगवान तो बैठे हैं, मंदिर में मूर्ति भी है, परंतु वहां पे ऐसा लगता है ही नहीं है कि ये मंदिर है। कोई शांति नहीं लगती, उच्चाटन लगता है, घबराहट होती है, पूजा करने का मन नहीं लगता है, पाठ करने में मन नहीं लगता है। तो इसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर अशुद्धता आ गई है और वहां पर कोई साधना नहीं की जा सकती। तो ऐसे जो भी मंदिर के महंत हैं, मालिक हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मंदिर में जागृतता भी है या नहीं है। तो मंदिर में जागृतता कैसे लाई जाए, उसके लिए साधना करना होती है। और एक साधक मनुष्य को अपनी इस आत्मा को उनके लायक बनाना पड़ता है, उसे साधना कहते हैं। तो जो लोग झूठ बोलते हैं पर निंदा करते हैं, वे चाहे कितना ही मंत्र का जप कर लें, इन्हें कोई फल की प्राप्त नहीं हो सकता और सिद्धि तो कभी प्राप्त होगी ही नहीं। जो मनुष्य झूठ बोलता हो और दूसरों की निंदा करता रहता हो, उसे कभी सिद्धि प्राप्त होती ही नहीं है। एक साधक मनुष्य को हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए, अस्तेय का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अपरिग्रह का भी पालन करना अनिवार्य होता है। झूठ बोलने से, निंदा करने से वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है, और जब वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है तो देवी कृपा तो प्राप्त होगी ही नहीं, और नहीं शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। और आप कहेंगे साहब हमने तो इतने लाख जप कर लिए परंतु हमें देवी जी का कृपा प्राप्त नहीं हुई। तो क्यों प्राप्त होगी यदि आप हर काम में झूठ बोलते हो, रोजाना 10 झूठ बोलते हो, 4 जने मिल गए, 2 जने मिल गए तो एक दूसरे की पर निंदा करने लगते हो। तो झूठ बोलने से और निंदा करने से दूसरों के दुर्गुण आपके पास आ जाते हैं, और जब दुर्गुण आपके पास आने लगेंगे तो आपके पास कहां से सत्यता होगी, तो गुण हो ही नहीं सकता।
इसलिए एक साधक मनुष्य को पहले जो शक्ति है उसके अनुरूप अपने आप को बनाना होता है। जो हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, जो लोभ लालच में पड़े हुए होते हैं, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, पराये धन को अपना मान के चलते हैं, पराई स्त्री के साथ भोग करते हैं, उन्हें कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। सिद्धि प्राप्त करने के लिए अखंड श्रद्धा, अखंड विश्वास, निष्काम समर्पण भावना और परम अंकिंचन की मानसिकता के साथ यदि साधना करोगे तो ही साधना फलदायी होगी, अन्यथा नहीं होगी। और साधना करते समय पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इसका ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। अशुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता में असुचिता आती, अशुद्धता आती है। अब वो चाहे कैसी भी अशुद्धता हो, चाहे बच्चे पैदा होने की अशुद्धता हो, किसी के मृत्यु होने की अशुद्धता हो, या फिर मासिक धर्म की अशुद्धता हो, एक साधक मनुष्य को हमेशा पवित्र भोजन करना चाहिए, अपने हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए, छुआ छात वाला भोजन नहीं करना चाहिए। और यदि आपके घर के अंदर प्रतिमा मां बहन बेटी या पत्नी रजस्वला से होती है, मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, यदि उस दौरान आपके घर में खाना पीना बन रहा हो तो मान करके चलो आपके घर परिवार जो जो उस खाने को खाता है, उस भोजन को करता है, उसको कभी साधना में सफलता मिल ही नहीं सकती। तो जैसे जैसे मनुष्य ध्यान, योग, जप, तप करता रहता है, उसमें तेज आता जाता है, उसके चेहरे पर अजीब किस्म की चमक आने लगती है, उसके पास चार पैर हो जाते हैं, दो पैर तो स्वयं के, दो पैर ईश्वर के। और चार पैर का मतलब हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों चीज उसको प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को अपने आप को उस शक्ति के अनुरूप बनाना, उतना पवित्र करना कि आपके ऊपर ईश्वरी कृपा प्राप्त हो सके। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप भटको मत, कभी इस गुरु के पास जा रहे हैं, कभी उस गुरु के पास जा रहे हैं, कभी उस गुरु के पास जा रहे हैं। अरे पहले अपने घर में, घर से शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता मेंटेन करो तो आपके यहां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त भी होगी, बुद्धि सरस्वती की कृपा भी प्राप्त होगी और दुर्गा मां की कृपा भी प्राप्त होगी, काली मां की कृपा भी प्राप्त होगी। यदि घर के अंदर ही अशुद्धता है, यदि आपके यहां पे मांस बनता हो, मदिरा पान किया जाता हो, मासिक धर्म के दौरान भोजन बनता हो, तो आप भगवान के नजदीक तो बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते, ना वो आपके पास आ सकता है। साधना का अर्थ होता है मन, बुद्धि, चित्त, गति, मति, चेतना, गुण, धर्म, प्रकृति, इन सब में एक रूपता, समरसता आना ही साधना है। ये मुख्य है। एक बार और बोल देता हूं मैं कि मन, बुद्धि, चित्त, गति, मति, चेतना, गुण, धर्म, प्रकृति में एक रूपता और समरसता आना ही साधना है। जब तक आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपकी गति, आपकी मति, आपकी चेतना और आपके गुण, धर्म, प्रकृति के अनुसार नहीं हो जाएंगे, तब तक आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। अब प्रकृति के अनुसार का मतलब प्रकृति ही जगत जननी है, प्रकृति ही मां है। यानी कि जैसे एक वृक्ष लगा दिया जाता है तो वो धीरे धीरे पलता है, बढ़ता है, एक समय आने पर जब भी समय आता है वो फल देने लगता है।
अब उसको पत्थर मारोगे तो भी फल देगा, और निश्चित समय पर ही उसमें फल लगते हैं, पूरे 12 महीने फल नहीं लगते हैं। तो साधना के अंदर मनुष्य को अपने आप को उस ईश्वर के अनुरूप बनाना, शुद्धता स्वच्छता पवित्रता का विशेष तौर से ध्यान रखना, उसके बाद में मंत्र जप का काम आता है, उसके बाद में हवन का काम आता है, उसके बाद में तीर्थ यात्रा का नंबर आता है। यदि आपको साधना करना हो और साधना के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, आपको साधना के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, किसकी साधना कैसे करना चाहिए यह भी हमारे सामने ही आपको साधना करवाई जाएगी। इसके पूरे नियम कानून प्रैक्टिकल वे में कराए जाएंगे। 21 दिन की साधना आप कर सकते हैं, 41 दिन की साधना कर सकते हैं, 90 दिन की साधना कर सकते हैं। साधना करने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको रहने खाने पीने की व्यवस्था है, साधना करने की व्यवस्था है। 9893128047 पर संपर्क कर सकते हैं, 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं, और 7649862712 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तीनों व्हाट्सएप नंबर हैं, इन पर मैसेज देकर के आप अपनी जिसकी साधना करना चाहते हो या कर रहे हो परंतु सफलता नहीं मिल रही है तो उस संबंध में भी आप आकर के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मां भगवती जगत जननी आपको सफलता प्रदान करे, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। मां जगत जननी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपका कल्याण करे। सही धन पर चलें, झूठ न बोलें, किसी की निंदा न करें, नंबर 2 का पैसा न कमाएं। यदि किसी मनुष्य को कोई धर्म प्रेमी बंधु, कोई जाति बंधन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है, श्रीमद् देवी भागवत कथा पुराण पढ़ना सीखना हो, प्रवचन देना सीखना हो तो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। देवी भागवत कथा पुराण का प्रवचन कैसे दें यह प्रशिक्षण अनवरत यहां पर दिया जाता है। जब भी चाहें आप अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।